यू फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं हूँ अमीना और आप देख रहे हैं किचन विद अमीना यूट्यूब चैनल। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर के छोले। मटर के छोले जो कि बहुत मज़ेदार बनते हैं, अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। सर्दियों का मौसम है, मटर जो है सर्दियों के मौसम में आता है, तो इस रेसिपी को बनाएँ और सबको खिलाएँ। आप चाहें तो फ्रोजन मटर से भी बना सकते हैं। मटर का छोले बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होगी उसे देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो मटर और 3 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज को बारीक काट लिया है। 10 से 12 मैंने साबित मिर्च लिया है। साबित मिर्च की जो है क्वांटिटी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप कम मिर्च खाते हैं तो इसे कम कर लीजिएगा। टमाटर यहाँ पे मैंने लिए 2 स्मॉल साइज़ के हैं। लेमन 1, 3 से 4 हरी मिर्चें, 1 जो है मैंने साबित प्याज ली है छोटी सी है, वो हम गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। नमक जो है मैंने हसब जायका मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून, आप अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जीरा यहाँ पर लिया है मैंने 1/2 टी स्पून। चाट मसाला लिया है यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून, ठीक है। और कुकिंग ऑयल, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, मैंने गैस को ऑन कर दिया है और यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है। इसमें मैं कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल ना ज़्यादा डालेंगे ना हम कम डालेंगे, बस इतना डालेंगे कि हम प्याज को अच्छे से ब्राउन कर सकें। अगर ऑयल आपको ज़्यादा लगे तो आप इसे निकाल लीजिएगा बाद में। इसे गर्म करने का हम वेट करते हैं। चलिए जी, ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ प्याज और साबित मिर्च। और इसे दाल को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। मैंने आपको अपनी वीडियोस में पहले ही बताया हुआ है कि अगर जब भी आप जो है प्याज को ब्राउन करें तो उसमें नमक शामिल कर लें, तो उससे अच्छे से वो ब्राउन हो जाएंगे। और जल्दी भी हो जाएंगे। देख सकते हैं मैंने ऑयल बहुत कम लिया हुआ है, बस इसमें हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे अच्छे से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्याज ब्राउन होने ही वाली है, बस हमें ज़्यादा बहुत डार्क ब्राउन भी नहीं करना है, बस गोल्डन कलर हमें खूबसूरत सा लाइक लेके आना है। जब आपको लगेगा कि प्याज ब्राउन होने वाली है तो आप फ्लेम को थोड़ा सा आहिस्ता कर दें। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब मैं क्या करूंगी, इसे निकाल लेंगे हम और फिर इसका पेस्ट बना लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे गोल्डन ब्राउन कर लिया है, अब मैं इसे क्या करूंगी, इसे ठंडा होने का वेट करेंगे हम, और इसे उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसके मिक्सर में जाकर डाल के इसका पेस्ट बना लूँगी, ठीक है। चलिए मैं इसे साइड कर देती हूँ। और अब हम क्या करेंगे, जो तेल है इसमें देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल ब्रांड नाम से तेल है, अराउंड 2 टेबल स्पून के आसपास इसका तेल होगा। अब मैं इसमें क्या करूँगी, इसमें हम डालेंगे मटर, ठीक है। और मटर डाल के हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। दो से तीन मिनट हम इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी कुछ मसाले, जो कि कुछ यूं हैं, नमक, जीरा पाउडर भुना हुआ है ये जीरा पाउडर, और ये चाट मसाला, ठीक है, इसे मैं शामिल कर रही हूँ। इसे डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
और अब मैं क्या करूँगी, इसमें शामिल करूँगी टमाटर जो मैंने लिए थे, उसको मैंने बारीक बारीक बिल्कुल काट लिया है, और ये शामिल कर देंगे हम इसमें। थोड़ा सा खिला चला लेते हैं। मीडियम ही फ्लेम है हमारा अभी, और अब हम इसे कवर कर देंगे, ताकि टमाटर जो है थोड़े सॉफ्ट हो जाए। और जो प्याज हमने ब्राउन की है, मैं उसका पेस्ट बना लेती हूँ। देखते हैं इसे। क्या वीडियो में देख सकते हैं कि टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें शामिल करेंगे जो हमने पेस्ट तैयार किया है, ये देख सकते हैं वो मैं शामिल कर रही हूँ। जब हमें थोड़ा पानी भी शामिल करके इसे अच्छे से वो करके हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। इसे हम मिक्स कर लेते हैं। ये पानी में थोड़ा शामिल कर दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो टमाटर को इसी पेस्ट के अंदर डाल के जो है इसी ब्राउन प्याज में डाल के ब्लेंड कर सकते हैं एक साथ, कोई इशू नहीं है। तो लीजिए अब मैं इसे कवर कर दूंगी और इसे हम 10 से 15 मिनट इसे अच्छे से पकाएंगे, ताकि हमारे मटर के अंदर जो है मिक्सचर का सबका जो है फ्लेवर अच्छे से आ जाए। चलिए मिलते हैं 10 मिनट बाद। इसे आई देखते हैं, मटर को चेक करते हैं, इसलिए ये गल चुका है बिल्कुल। तो कोई वो भी नहीं कि आपको चने फुलाने हैं, फिर आपको चाट मिलेगी, फिर आप खाएंगे छोड़ेंगे, तो बहुत आसानी से आराम से आप इसे बहुत जल्दी बना लेते हैं। इसे ज़रूर बनाइए, इसे ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगता है। चलिए जी, ये अच्छे से बना गया है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा काली मिर्च डाल सकते हैं। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिसी हुई काली मिर्च, 1/4 teaspoon। काली मिर्च से थोड़ा सा फ्लेवर जो है थोड़ा और इन्हेंस हो जाता है, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं, थोड़ा सा मीडियम फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर लेंगे हम। बिल्कुल रेडी है, फ्लेम को करती हूँ मैं ऑफ, और मैं आपको डिश आउट पर भी दिखाऊंगी इसे। ये लीजिए, हमारे मटर के छोले से बनी हुई छोले चाट बनके तैयार है। अगर आपको ये मटर चाट रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें। उसे प्रेस करने से आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है और इससे आपने ट्राई किया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी ये रेसिपी, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।